राजस्थान का रुख करेंगे, जहां पर प्रदेश के करीब 1,71,00,000 उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पहली बार घरेलू सिलेंडर के दाम 1,000 रुपए के पार तक जा पहुंचे हैं। तेल गैस कंपनियों ने आज घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है और इस बढ़ोतरी के बाद आज से घरेलू गैस सिलेंडर 1,003.50 रुपए के हिसाब से मिलेगा और पहली बार ऐसा होगा जब रसोई गैस सिलेंडर के लिए आमजन को खुद अपनी जेब से 1,000 रुपए देने होंगे। वहीं पर कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो कीमतों में 9 रुपए की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 2,364.50 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेगा। करीब 7 दिन पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 102.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई और साल रसोई गैस की कीमत में यह दूसरी बार इजाफा है। घरेलू सिलेंडर 953 रुपए से 1,003 रुपए पहुंच चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है जब 1,000 का आंकड़ा घरेलू सिलेंडर के दामों ने पहुंचा दिया है। आज 50 रुपए घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है, लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। मई 2020 से जो सब्सिडी घरेलू सिलेंडर पे मिलती थी वो पूरी तरीके से अघोषित तौर से बंद कर दी गई है। यानी कि यदि आपको किचन में खाना गैस चूल्हे पर बनाना है तो 1,003 रुपए आपको भुगतान करना होगा। हम इस समय महंगाई जब बढ़ी है तो हम एक चार्टेड अकाउंटेंट के घर में पहुंचे हैं, उनका किस तरीके से वो बजट अब कर रहे हैं। और ये देखिए कि ये जो आंच है वो छोकन लगाया जा रहा है और इसमें महंगाई का तड़का भी लगाया है। गृहिणी है हमारे साथ, चार्टेड अकाउंटेंट की जो वाइफ है, वो मैम इसमें अब तड़का महंगाई का तड़का भी लगाया, जो तड़का आप दे रहे हैं इसमें। यस सर, ये सिलेंडर महंगा होने से हमें और खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। खाने में बच्चों की चॉइस थोड़ी सी कम हो गई है। सिलेंडर 1,000 रुपए पार जा रहा है जिससे हमें सेविंग भी कम हो रही है हमारी। चार्टेड अकाउंटेंट भी है सर, कितना फर्क पड़ा है सर इस महंगाई से? एक आप तो कई लोगों के लेखा जोखा और अकाउंट रखते हैं सर। हमारी सरकार ने बड़ी चतुराई से 300 रुपए का सिलेंडर, पहले तो कि आपको सब्सिडी कैश मिलती थी, इमीडिएट मिलती थी, फिर आपके खाते में आती थी उस, और फिर वो सब्सिडी कम करते हुए एकदम जीरो कर दी और अब उस सिलेंडर का नेट वर्थ जो है 1,000 रुपये से ऊपर पड़ता है। आप ये देख लो कि 3 साल के अंदर 300 का सिलेंडर 1,000 हो गया, मतलब 3 गुना महंगा हो गया। सर आपके घर का बजट कितना अब रहेगा सर? सर ये तो होम डिपार्टमेंट का काम है, होम डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, वो रोज़ झगड़ा करते हैं कि हाँ हमारा इंक्रीमेंट करो। तो करते हो आप इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए? हाँ, करना ही पड़ेगा, क्या करें, बच्चों की चॉइसेस बंद हो गई है। आप क्या अब चॉइस से खाना बनता है? नहीं बनता घर में? नहीं बनता। देखिए ये एक परिवार है जो कई चीज़ें बता रहा है कि किस तरीके से जो बच्चों की ख्वाहिश है वो अब पूरी नहीं कर पाते। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इस चूल्हे की महंगाई ने उज्ज्वला की जो आँच है वो भी कहीं ना कहीं ठंडी कर दी है, क्योंकि जो गरीब परिवार है जो कि अब तक धुएँ के अंदर खाना पकाता था, उसको केंद्र सरकार ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, लेकिन वो जो टंकियां हैं जो घर के अंदर उनके यहाँ रखी गई थी वो अब केवल शोपीस बनकर रह गई हैं। साथ में जो मध्यम परिवार है या रोजाना कमाता और खाता है उनके ऊपर भी बड़ा ये महंगाई का बोझ है। आज 50 रुपये सिलेंडर भरने से उनको बड़ा एक झटका लगा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यदि पेट्रोल डीजल और गैस यदि सस्ती हो जाए तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। कैमरामैन देव के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। अब बात करेंगे